देखो ये जगह कितनी पुरसकून है। वैसे भी अब हर जगह ऐसी ही लगेगी मुझे। अच्छा तुम बताओ, एलिफ की कोई अपडेट है तुम्हारे पास? मैं अब पुलिस में नहीं रहा ज़ैनब। वजह? अपने चीफ के चेहरे पर मुक्के मारने पर मुझे फोर्स से निकाल दिया गया। लेकिन ऐसा किया क्यों तुमने? चीफ तो तुम्हें पसंद थे ना? बस हो गया, जो भी हो ये कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ो इस सब को। ये बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं? भूख लग रही है तो कुछ फ्राइज वगैरह लाओ खाने के लिए। नहीं, वैसे तुम सच में अंदर कैसे आ गए? आईडी के साथ, जो डिपार्टमेंट को वापस नहीं की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? अहमद प्लीज, अभी तक तुम होश में नहीं आए है ना? लगता है अपने ताल्लुकात पर बहुत भरोसा है आपको। चीजें आपके काबू से बाहर भी हो सकती है, मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ। चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो, मैं अब जान को भी खो नहीं सकती हूँ। तुम किस किस्म के आदमी हो? एक ऐसी औरत से, यानी जिसने अपना पहला बच्चा खो दिया हो, उससे दूसरे बच्चे को दूर करने की धमकी आखिर कौन देता है? फिक्र ना करो ज़ैनब, डरो मत, कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारे दस्तखत के बगैर जान को बैरून मुल्क नहीं ले जा सकता, और अगर ये ऐसी कोशिश करता है तो खुद को अदालत में पाएगा। चलो ज़ैनब। नहीं, बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें मार दूंगा। देख नहीं रहे, ये बीमार औरत है। अगर तुम ना होते तो ये अपना इलाज करवा कर घर वापस आ चुकी होती। कैसा घर? कौन सा घर? वापसी के लिए कोई घर छोड़ा है तुमने? तुम सिनान से क्या चाहते हो? इस आदमी ने तुमसे ज्यादा तुम्हारी बेटी को ढूंढने के लिए खतरे मोल लिए हैं। पहले खुद को देख लेना चाहिए। सिनान चलो यहाँ से। नजर करम और कर।